फर्राटेदार इंग्लिश के शब्द ना बोलो, तो हमारे देश की ये मानसिकता बन गई है कि ये पिछड़ा हुआ आदमी है, ये असभ्य आदमी है, ये अनपढ़ आदमी है। अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए, ध्यान रख मान्यवर, अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं हो सकती है। हिंदी में संवाद करना सीखो, हिंदी में बोलना सीखो। व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, देश की भाषा उर्दू है, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो दिल की जुबान कोई है तो दिल की जुबान हिंदी हुआ करती है। हिंदी के पास धड़कता हुआ दिल हुआ करता है, हिंदी के पास संवेदनाएं हुआ करती हैं। और एक बात याद रखना, आज जो बात मैं कह रहा हूं, हमारी जुबान हिंदी होना चाहिए, हमारी भाषा हिंदी होना चाहिए, हिंदी को प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लोग बड़े खुश होते हैं, मैं दुखी होता हूं। क्या साल में एक बार ही हिंदी दिवस होना चाहिए? हमारी तो धड़कन धड़कन में हिंदी होना चाहिए, हमारी तो सांस सांस में हिंदी होना चाहिए, हमारे तो जीवन का आधार हिंदी होना चाहिए, हमारे संवादों का व्यवहार हिंदी होना चाहिए। मान्यवर एक बात याद रखना, दिलों की जुबान है हिंदी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, बुरी लगेगी, जो जुबान का नहीं होता ना, अपनी जुबान क्या है? हिंदी है। जो जुबान का नहीं हो सका वो जमीन का भी होने के हकदार नहीं हुआ करता है, उसके जमीन में भी उसका कोई हक नहीं होना चाहिए। जो जुबान का है वो जमीन का है, और जो जुबान का नहीं है वो जमीन का नहीं हो सकता। मान्यवर हिंदी भारत की मुख्य भाषा।